करती हूँ आपके अपने यूपी लाइव 100 न्यूज चैनल पर। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से बने रहिए हमारे साथ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से। युवा कांग्रेस ने शुरू किया नौकरी संविदा कार्यक्रम के प्रत्येक ब्लॉक पर बेरोजगारी से करेंगे बात। बेरोजगारी बढ़ते के खिलाफ युवा कांग्रेस ने बड़ा अभियान नौकरी संविदा शुरू किया है। युवा कांग्रेस ने नौकरी संविदा कार्यक्रम के जरिए प्रत्येक ब्लॉक पर युवाओं से बात करेंगे और उनके मुद्दे जानेंगे। बेरोजगारी के मिस कॉल नंबर 9152791517 के जरिए उनका रजिस्ट्रेशन भी होगा। गुरुवार को बहराइच युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अकीब नदीम एडवोकेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नौकरी संविदा अभियान के जरिए जानकारी दी। खास रिपोर्ट सराजुद्दीन बहराइच। नौजवान जो परेशान है, जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, जो कभी हिंदुस्तान का भविष्य लिखता था, वो आज दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। एक दूसरे के यहाँ नौकरी मांगता हुआ फिर रहा है, जिसकी बानगी ये है कि एक 62 चपरासी की नौकरी के लिए 3700 PhD के डिग्री होल्डरों ने एप्लीकेशन दी है। ये अपने आप में शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछले 5 साल में उन्होंने इस देश के प्रदेश के युवाओं के लिए क्या क्या है, इनको सोचने की जरूरत है। अगर ये नहीं सोचेंगे तो इनको हम याद दिलाएंगे कि अगर आप लोग नौकरी नहीं दे सकते हो तो इस्तीफा दे दो। 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष, दो करोड़ नौकरियां सिर्फ पिछले साल जा चुकी हैं। स्वच्छ भारत, स्टैंड अप इंडिया, कौशल विकास, न जाने कितने हसीन जुमले दिखा करके इस देश के नौजवानों की आंखों में जो धूल झोंकने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना कांग्रेस पार्टी जुमले करती है, ना झूठ बोलती है। हम जो कहते हैं और डंको की चोट पे कहते हैं, जो हम कहते हैं उसको हम करते हैं। ये वादा है हमारी नेता का कि जो नौकरी संवाद की इस स्कीम के माध्यम से हम लोगों के साथ जुड़ेगा, अपने आप को पंजीकृत कराएगा, 10वीं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं, 18 से 35 वर्ष की आयु, हम लोग के साथ जो भी बेरोजगार नौजवान जुड़ेगा 2022 में, अगले वर्ष सरकार बनने के बाद, हमारी ये प्राथमिकता है कि सबसे पहले हम उन लोग को नौकरी देंगे।